सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मोहित और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानी थॉट्स में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं T800 Ultra के बारे में। तो गाइस, आप लोग देखते हैं, ये रही मेरे हाथ में T800 Ultra स्मार्ट वॉच। आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं और पूरी जानकारी को इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले। सो गाइस, की अनबॉक्सिंग वगैरह भी हम पहले ही कर चुके हैं। अगर आप लोग ने अनबॉक्सिंग की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैं अनबॉक्सिंग की वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर T800 Ultra स्मार्ट वॉच की अनबॉक्सिंग वीडियो को देख सकते हैं। तो गाइस, हम आज पूरी जानकारी के बारे में इस वीडियो में बताने वाले हैं और किस टाइप से इसे मोबाइल एप्लीकेशन से कनेक्ट करना है इस बात को भी हम बताने वाले हैं। तो गाइस, किस जगह से परचेस करना है, किस प्लेटफॉर्म से इसे परचेस करना है, कौन से एप्लीकेशन से परचेस करना है, इस बात को हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो गाइस, इसका प्राइस वगैरह काफी लो होने वाला है और गाइस, पूरी जानकारी हम इस वीडियो में मेंशन करने वाले हैं, इसलिए वीडियो के साथ लास्ट तक बनिएगा। चलिए तो गाइस, बिना टाइम को वेस्ट किए आज की इस वीडियो को करते हैं शुरू। फाइनली गाइस, आप लोग देख सकते हैं, हम लोग बात कर रहे थे T800 Ultra स्मार्ट वॉच के बारे में। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं, बॉक्स का इंटरफेस कुछ इस टाइप से हम लोग को देखने के लिए मिल जाता है। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं, सामने के इंटरफेस की अगर हम लोग बात करें तो T800 Ultra स्मार्ट वॉच यहाँ पे लिखा दिख जाता है हम लोग को। सो गाइस, हम इसकी चार्जिंग की अगर बात करें तो वायरलेस चार्जिंग के साथ ये स्मार्ट वॉच हमें देखने के लिए मिल जाती है। वहीं गाइस, इसके डिस्प्ले की अगर हम लोग बात करें तो 1.99 इंचेस की इन्फिनिटी डिस्प्ले यहाँ पे हम लोग को देखने के लिए मिल जाती है। सो गाइस, अगर बैक साइड से देखें तो कुछ जानकारी वगैरह मेंशन की गई है, आप लोग चाहे तो इसे केयरफुली पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। सो गाइस, यहाँ पे ये लिखा हुआ है T800 Ultra स्मार्ट वॉच, और जिसके साथ हमें जो केस देखने के लिए मिलते हैं वो स्पेस एल्यूमिनियम के देखने के लिए मिलते हैं। तो गाइस, 49mm का यहाँ पे एल्यूमिनियम केस यहाँ पे हम लोग को देखने के लिए मिल जाते हैं। सो गाइस, बॉक्स को हम ओपन करते हैं तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने के लिए मिलता है, जो कि गाइस आप लोग देख सकते हैं। सो गाइस, स्मार्ट वॉच हमें कुछ इस टाइप से देखने के लिए मिल जाती है। साइड वगैरह से देखें तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस यहाँ पे हम लोग को देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे रैप बटन देखने के लिए मिल जाती है और ये पावर ऑन ऑफ बटन देखने के लिए मिल जाती है, और यहाँ पे एक बटन और हम लोग को देखने के लिए मिलती है एडिशनल स्मार्ट वॉच। सो गाइस, यहाँ पे वन टैप करते ही ओपन हो जाती है, जैसे कि गाइस आप लोग देख सकते हैं, इसको मैंने ओपन कर दिया है। नोटिफिकेशन स्टाइल देख सकते हैं गाइस, काफी सही यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है हम लोग को, और ये वॉच फेसेस भी काफी अच्छे अच्छे देखने के लिए यहाँ पे हम लोग को मिल जाते हैं, देख सकते हैं आप लोग गाइस। तो गाइस, चलिए तो हम इस चार्जर के बारे में आप लोग को बता दें। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं कुछ इस टाइप का वायरलेस चार्जर हम लोग को देखने के लिए मिल जाता है इस अल्ट्रा स्मार्ट वॉच के साथ। तो इस चार्जर काफी बढ़िया यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है आप लोग को, देख सकते हैं आप लोग गाइस। तो गाइस, वहीं अगर हम बात करें तो स्टेप्स की, तो आप लोग देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे कुछ इस टाइप के स्टेप्स हम लोग को देखने के लिए मिल जाते हैं, क्योंकि गाइस आप लोग देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया स्टेप्स यहाँ पे हम लोग को देखने के लिए मिल जाते हैं। सो गाइस, कुछ इस टाइप से हमें स्टेप्स को लगा लेना है अपने स्मार्ट वॉच के ऊपर, जो कि गाइस आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस, कुछ इस टाइप से हमारे स्टेप्स यहाँ पे लग जाते हैं हमारी स्मार्ट वॉच के ऊपर। तो चलिए, तो गाइस हम फटाक से इस स्मार्ट वॉच के फीचर्स के बारे में आप लोग को बता देते हैं गाइस। तो गाइस, एक फीचर्स तो ये है कि गाइस, इसमें यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग यहाँ पे हम लोग को देखने के लिए मिल जाती है। सो गाइस, अगर कैसा क्या वर्क करता है वायरलेस चार्जर्स का, तो मैं आप लोग को दिखा दूँ गाइस। ये रहा मेरे पास एडाप्टर, इजीली आप लोग को इस केबल को एडाप्टर में कुछ इस टाइप से लगा लेना है गाइस, आप लोग देख सकते हैं। इस टाइप से लगाने के बाद कुछ इस टाइप से अपने स्मार्ट वॉच को आप लोग पास लेके आते हो तो इस कुछ इस टाइप से, तो अपनी स्मार्ट वॉच चार्ज होने लगती है। आप लोग देख सकते हैं गाइस, कुछ इस टाइप से चार्जिंग वगैरह होने लगती है। सो गाइस, और भी काफ़ी सारे फीचर्स यहाँ पे हम लोग को देखने के लिए मिल जाते हैं, जो गाइस आप लोग देख सकते हैं। ये हैं इसके वॉच फेसेस, आप लोग चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, आप लोग चाहे तो इस तरह से भी चेंज कर सकते हैं। सो गाइस, चलिए तो आप इसके फीचर्स के बारे में बता दें। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग को काफ़ी सारे फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, देख सकते हैं आप लोग गाइस। सो गाइस, यहाँ पे हमें सेटिंग का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, कैलेंडर का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है यहाँ पे हमें, व्हाट्सएप का ऑप्शन भी देखने के लिए मिलता है यहाँ पे, कॉन्टैक्ट का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है यहाँ पे हमें, गैलरी का ऑप्शन भी देखने के लिए मिलता है गाइस, और यहाँ पे कैलकुलेटर भी देखने के लिए मिल जाता है। सो गाइस, एक बात और आप लोगों को बता दूँ, जितने भी यहाँ पे लोगो दिख रहे हैं, इंटरफेस दिख रहे हैं एप्लीकेशन के, ये सारे वर्किंग है। जैसे कि गाइस, मैं आप कैलकुलेटर पर क्लिक करके दिखा देता हूँ, देखिए गाइस कुछ इस टाइप का इंटरफेस कैलकुलेटर का हम लोग को देखने के लिए मिल जाता है। सो गाइस, वैसे ही अगर हम सेटिंग पे जाते हैं, सेटिंग में कुछ इस टाइप की सेटिंग यहाँ पे हम लोग को देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ अबाउट का फोर्शन में अगर हम जाते हैं तो T800 Ultra स्मार्ट वॉच यहाँ पे लिखा दिख जाएगा, आप लोग देख सकते हैं गाइस। और उसके बाद गाइस, आप लोग देखते हैं अबाउट में, जैसे हम चेक करते हैं T800 Ultra यहाँ पे लिखा दिख जाएगा, इसका वर्जन वगैरह लिखा दिख जाएगा। यहाँ पे सीरी भी देखने को मिल जाती है हम लोग को, आप लोग देख सकते हैं गाइस। यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, सीरी प्लीज़ कनेक्ट ब्लूटूथ फर्स्ट, तो गाइस हमें इसे ब्लूटूथ वगैरह से कनेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ये सीरी एक्टिव होगी। तो गाइस, हमें सोर्स का ऑप्शन भी देखने के लिए मिलता है SOS का, आप लोग देख सकते हैं गाइस, एमरजेंसी सोर्स का। इसे भी अगर हम BT से कनेक्ट करते हैं
तो इजीली ये वर्किंग करता हुआ दिखेगा। और गाइस यहाँ पे ऐप स्टोर का ऑप्शन भी देखने के मिलता है, आप लोग देख सकते हैं गाइस, जिस पे जैसे हम इस ऐप पे टैप करते हैं ये ऐप स्टोर वाले पे, तो यहाँ पे हमें लोगो देखने के लिए मिल जाता है। तो गाइस आप लोग को बता दें, इस लोगो को आप जैसे स्कैन करोगे वैसे इस स्मार्ट वॉच का कनेक्टिंग का ऐप आप लोग को दिख जाएगा। आप इजीली उस लिंक पर विजिट करोगे और इसको कनेक्ट करने का एप्लीकेशन आप लोग के सामने जाएगा, आप लोग इजीली उसे डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके बाद इजीली ये स्मार्ट वॉच उस एप्लीकेशन से कनेक्ट हो जाएगी। सो गाइस, और अगर हम बात करें इसके और भी फीचर्स की, तो आप लोग को बता दें गाइस, और भी फीचर्स यहाँ पे हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे ये टाइमर का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है गाइस, और ये होम पे हम जैसे टैप करते हैं यहाँ पे स्टाइल के ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। जैसे स्टाइल 3 पे हम टैप करके देखते हैं तो ये स्टाइल चेंज हो जाती है, आप लोग देख सकते हैं गाइस। ये देखो गाइस, ये गाइस, तो गाइस अगर फिर से हम वो होम वाले ऑप्शन पे आते हैं तो यहाँ पे स्टाइल 4 पे टैप करते हैं, स्टाइल 4 में ये कुछ ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिलता है, आप लोग देख सकते हैं गाइस, देख सकते हैं गाइस। और फिर से हम होम वाले ऑप्शन पे आते हैं तो स्टाइल 6 भी है यहाँ पे, स्टाइल 6 कुछ इस टाइप से देखने के लिए मिल जाती है हमें, आप लोग देख सकते हैं गाइस। तो गाइस ये तो रहे स्टाइल के, और यहाँ पे ये रनिंग का ऑप्शन भी देखने के लिए मिलता है, तो आप लोग देख सकते हैं गाइस, स्पोर्ट्स मोड का भी यहाँ पे अच्छा ऑप्शन देखने के लिए हम लोग को मिल जाता है, जो कि गाइस आप लोग देख सकते हैं स्पोर्ट्स का मोड यहाँ पे देखने के लिए मिलता है हमको। इसको टैप करके देखिए गाइस, तो रनिंग, बाइक रनिंग, स्टेरिंग और फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस, जैसे काफ़ी सारे स्पोर्ट मोड इस स्मार्ट वॉच के साथ हम लोग को देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी सही बात है। तो गाइस ये तो हो गई इस स्मार्ट वॉच के फीचर्स के बारे में बात। तो गाइस अब बात करते हैं इस स्मार्ट वॉच को मोबाइल एप्लीकेशन वगैरह से किस टाइप से कनेक्ट कर रहे हैं। गाइस मैंने आप लोगों को बताया था कि इजीली हम लोग को इस स्मार्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आप लोग को इजीली इसके एप्लीकेशन वाले पोर्शन में आ जाना है। तो आप लोग देख सकते हैं गाइस, ऐप स्टोर पर यहाँ पर ऑप्शन होगा, तो ऐसे देख सकते हैं, इसको इजीली हमें स्कैन कर लेना है और उसके लिंक विजिट करते ही हमें अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग, कुछ इस टाइप से इसके ये स्कैनर को स्कैन करना है हम लोग को। जैसे हम स्कैन करते हैं तो गाइस ये गो टू वेबसाइट का ऑप्शन आता है हम लोग के पास। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऐप स्टोर, गूगल प्ले दोनों का ऑप्शन आ रहा है। तो गाइस आप लोग चाहे तो ऐप स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने ओएस की ऑलरेडी वीडियो बना रखी है ओएस से कनेक्ट करते हैं, आप इजीली मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके ओएस कनेक्ट करने की वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। तो गाइस हम लोग को एंड्रॉइड से कनेक्ट करना है, इसलिए गाइस हम गूगल प्ले पे विजिट करेंगे। जैसे हम गूगल प्ले पे विजिट करते हैं तो गाइस हमें उस एप्लीकेशन के पास ले जाएगा ये लिंक डायरेक्टली। तो गाइस आप लोग देखते हैं हाई वॉच प्रो एप्लीकेशन यहाँ पर हम लोग को देखने के लिए मिल जाता है, इजीली से हमें इंस्टॉल कर लेना है। तो कुछ सेकंड के लिए हम लोग को वेट कर लेना है यहाँ पे गाइस। तो फाइनली गाइस आप लोग देख सकते हैं जिस एप्लीकेशन को हमने इस QR से सर्च किया था, स्कैन किया था, वो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, हाई वॉच प्रो एप्लीकेशन ये है। तो चलिए तो गाइस फटाक से ओपन वगैरह कर लेते हैं और किस से मेथड से किस इजी वे से ही कनेक्ट होती है तो हम देखते हैं आगे। तो गाइस चलिए तो फटाक से ओपन पे क्लिक कर लेना है। जैसे हम ओपन पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस हम लोग को देखने के लिए मिल जाता है। तो गाइस यहाँ पे एग्री वगैरह कर लेना है, पूरी परमिशंस को अलाउ वगैरह कर लेना है गाइस। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे और भी परमिशंस मांग रहा है, यहाँ पे एग्री कर लेना है हम लोग को। एग्री करने के बाद जो भी परमिशन चाहिए मांगता है उसे अलाउ वगैरह कर लेना है। तो गाइस फाइनली अब हम लोग को सेट वाले ऑप्शन पे आ जाना है इस स्मार्ट वॉच को कनेक्ट करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन से। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं इस सेट पे ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक कर लेना है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं जैसे ही हम टैप करते हैं तो हमें T800 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच का यहाँ पे ब्लूटूथ ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो गाइस जैसे ही हम टैप करते हैं इस पे तो गाइस कुछ स्टेप्स रहेंगे, आप लोग देख सकते हैं गाइस वो स्टेप्स कंप्लीट होती है वैसे हमारी स्मार्ट वॉच अपने मोबाइल एप्लीकेशन से कनेक्ट हो जाएगी। तो आप लोग देख सकते हैं गाइस ये स्मार्ट वॉच इस मोबाइल एप्लीकेशन से कनेक्ट हो चुकी है। तो चलिए तो गाइस हम इसको पेयर एंड कनेक्ट का ऑप्शन एग्री कर देते हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं फुली ये कनेक्ट हो चुकी है हमारे मोबाइल एप्लीकेशन से, यहाँ पर ऑप्शन भी आ गया गाइस। तो गाइस चलिए तो हम से फाइंड वगैरह करके देख लेते हैं। जैसे हम फाइंड को टैप करते हैं कुछ इस टाइप का इंटरफेस यहाँ पर हम लोग को देखने के लिए मिल जाता है। तो गाइस कुछ इस टाइप की प्रोसेस है इस स्मार्ट वॉच को मोबाइल एप्लीकेशन से कनेक्ट करने की। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आप लोग को दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप लोग को पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि हमारी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप लोग तक जानते आने वाली ऐसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।